अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर के स्केल रोटेट स्क्यू डिस्टॉर्ट और वार्प जो उसकी कमांड्स हैं उसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हमें मिलते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब ये जो ऑप्शंस हैं हम किसी भी टेक्स्ट पर किसी भी इमेज पर और किसी भी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओ करता हूँ मैं, ओपन कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर तो ओपन की भी है, ठीक है। और एक तो मैं शेप बना लेता हूँ न्यू फाइल लेके, ये हमने इस पे एक शेप भी बना लिया। और एक पर हम जो है टेक्स्ट भी ले लेते हैं, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट भी लिख दिया। ये भी हमने यहाँ पे ले लिया। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्केल से। तो देखिए ये पिक्चर है, इस पर स्केल कैसे अप्लाई करेंगे, एडिट ट्रांसफॉर्म और यहाँ से आप स्केल कर देंगे। तो स्केल से आप ये कर सकते हैं, इसके इसके साइज को इस तरह से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्म में, इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं और यहाँ से भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये अंडू भी करता जा रहा हूँ साथ साथ में, और यहाँ से हाइट को कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके साथ जो चंद शॉर्ट की हैं वो कैसे काम करेंगी, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल्टर का बटन दबाएंगे तो ये चारों तरफ से या दोनों तरफ से एक साथ कम ज़्यादा होगा, और अगर आप शिफ्ट भी होल्ड कर देंगे तो ये प्रोपोर्शनल कोड लॉक कर देगा। अब जितना बड़ा है ये उतना ही साइज में छोटा होगा और उतना ही बड़ा उस साइज से होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्केल का काम है, इसको स्केल अप करना मतलब साइज अप्लाई करना। अच्छा, अब आप मूव टूल लेके अप्लाई कर देंगे तो ये सेटिंग्स पे अप्लाई हो जाएगी, अगर आप कैंसिल कर देते तो फिर ये सेटिंग्स पे अप्लाई नहीं होती। सेम फंक्शन ये करेगा उसके ऊपर, जैसे कि शेप के ऊपर। तो यहाँ पे एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म जिसको आप कहते हैं, यहाँ से एक्टिवेट किया स्केल को, और देखिए इसके ऊपर भी हम इस तरह शेप को छोटा बड़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा हम इसको यहाँ से जो है ऑल्टर के साथ एक साइड से खींचेंगे दूसरी साइड से बढ़ेगा, ऊपर करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, छोटा होगा, ये ऑल्टर के साथ हो रहा है, ऑल्टर शिफ्ट के साथ वो लॉक कर देगा इसका रेशियो को, और ये इस तरह से छोटा बड़ा खुद ही होता रहेगा, और वही तरह का अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा और कैंसिल करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। सिमिलर आपका ये टेक्स्ट पे काम करेगा, कंट्रोल टी से एक्टिवेट हो जाता है वो, बन गया ऑल्टर शिफ्ट के साथ इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑल्टर के साथ ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ लॉक हो जाएगा रेशियो, और यहाँ से क्लिक करके ये आगे पीछे इस तरह से होता रहेगा, और अप्लाई करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला ऑप्शन है स्केल के बाद है रोटेट। आप अपनी ऑब्जेक्ट को, अभी हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो अब छोटा नहीं होगा क्योंकि ये रोटेट एक्टिवेट है, तो मुझे पहले इसको थोड़ा अगर छोटा करना है तो यहाँ से क्लिक करके पहले इसको मुझे स्केल करना होगा, और फिर यहाँ से क्लिक करके मैं इसको छोटा करूँगा, और फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ये यहाँ पर से रख के अब दोबारा जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करके लूँगा रोटेट, तो ये देखिए रोटेशन का एंगल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसको ईजिली रोटेट इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये रोटेट होगा, जिस तरह से चाहें आप इसको इस तरह प्लेस कर सकते हैं, ऐसे दिखाना चाह रहे हैं ऐसे दिखाना चाह रहे हैं फोटो को, और इस तरह रोटेट करके आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर दें, यहाँ से एक नया लेयर ऐड कराएं, इसके अंदर एक बैकग्राउंड डाल दें, सपोज तो भी हमने ये बैकग्राउंड इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये देखें ये पिक्चर इस तरह से नज़र आ रहा है, या कोई और ग्रेडियंट के साथ कोई और बैकग्राउंड आपने इस पर अप्लाई करना है तो ये इस तरह से वो भी अप्लाई किया जा सकता है, और ये पिक्चर इस तरह से बन के आप इस पर लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रोटेट करना है इस शेप को तो पहले आप इसको एडिट में जाएं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें और रोटेट को एक दफ़ा एक्टिवेट कर दें, इसके बाद रोटेट आप सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जहाँ चाहें कर सकते हैं, ये आपके पास है, इसको हम इस तरह से लगाना चाहें या इस तरह से लगा के इसको सेट करके ला के यहाँ पे कहीं पर रखना चाहें तो इसे कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद ये टेढ़ा हो जाएगा सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे, और ये इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे भी रोटेट कंट्रोल टी करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और उसको रोटेट कर देंगे, टेक्स्ट को भी सिमिलरली इस तरह से रोटेट कर दें, इस तरह से रोटेट कर दें, और ये इस तरह से रोटेट होके क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो ये उस तरह से आपको रोटेट होता हुआ नजर आएगा। फिर चलते हैं अगले इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हमारा स्क्यू। अब स्क्यू थोड़ा रोटेट से अलग है, मतलब अभी मैं इसको थोड़ा सीधा करता हूँ पिक्चर को, तो एडिट में गया ट्रांसफॉर्म में गया और मैंने इसको रोटेट किया और यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा के, सॉरी नीचे वाली लेयर पे एक्टिवेट हो गया, इस पर क्लिक करना है एडिट ट्रांसफॉर्म और रोटेट, और फिर इसका शिफ्ट का बटन दबा के मैंने इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया, और करने के बाद जब ये सीधा हो गया तो स्क्यू क्या करेगा, स्क्यू में ये होगा कि आपने इस पर क्लिक किया स्क्यू तो आप कोई भी एंगल से पकड़ के इसको इस तरीके से आगे या पीछे ले जा सकते हैं। अगर आप दोनों साइड्स को करना चाह रहे हैं तो अल्टर का बटन दबाइए, फिर ये दोनों साइड्स को इस तरह से कवर अप करेगा, वरना एक ही साइड को भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इस साइड को इस तरह इसका स्क्यू कर दें
तो ये इस तरह से इसकी हो जाएगा, ये पिक्चर यहाँ से बड़ी हो जाएगी, यहाँ से छोटी हो जाएगी, इस तरह से नज़र आएगी। सिमिलरली अगर आप इसको इस साइड से बड़ा करेंगे और नीचे वाली साइड से छोटा रहने देंगे तो फिर ये पिक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आप इसकी उसे कर सकते हैं, स्केप करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा और इस पर मूव टूल पे जाके अप्लाई करूंगा तो ये स्केप पर अप्लाई हो जाएगा। स्क्यू में आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे स्क्यू में आप जाके यहाँ से क्लिक करके इस साइड से इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दें, ये इस तरह से थोड़ा टेढ़ा होकर नजर आएगा, ये आपका फोटो का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा इस साइड से बन जाएगा और क्लिक करके अप्लाई करेंगे। एंड देन हम इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके अगर इसके ऊपर कुछ ड्रॉप शेडोज अप्लाई कर दें तो ये देखिए ड्रॉप शेडोज अप्लाई हो जाएंगे। इसके डिस्टेंस को और साइज को थोड़ा यहाँ से मेंटेन कर लें और यहाँ से इसको इस तरीके से दिखाएं तो ये इसका एक 3D लुकअप बन जाएगा। और इसके बॉर्डर्स भी अप्लाई कर दें और थोड़ा सा उसका भी थिकनेस थोड़े से बढ़ा दें तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। मतलब पर्सपेक्टिव व्यू में भी आप इसको स्क्यू की मदद से कर सकते हैं। सिमिलर शेप के साथ भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। ये हमारा शेप कुछ इस तरह है, इसको अभी हम कंट्रोल सेट करके सीधा कर लेते हैं। अब मुझे इस शेप को दिखाना है कि ये आगे से एक रूट है आगे आगे की तरफ, तो मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, पहले अल्टर शेप के साथ इसको छोटा करता हूँ और इस रूट को पीछे इसको मिनिमम डायरेक्शन पर ले जाके इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। अब यानी कि ये रूट जो हम दिखाना चाह रहे हैं ये आगे से पीछे की तरफ दिखा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके हम यहाँ से करेंगे स्क्यू। अब स्क्यू से पहले इसका ये साइड कवर अप करेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और इसको फिर जो है छोटा कर देंगे। तो अक्सर स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा रहे होते हैं कि ये एक रूट है या कोई चीज़ है जो ये आगे की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। फर्दर फिर इसके अंदर आप क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके यहाँ पर भी इस पर आप जो है ड्रॉप शेडोज लगा सकते हैं और शेडोज देने के बाद इसके ऊपर इस तरह के शेडोज और साइज और इसके जो डिस्टेंस है उसको कंट्रोल करें, ग्लोबल से हटा दें, एंगल को कंट्रोल करें, एंगल किस साइड पे दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप एंगल इस साइड पे दिखाना चाह रहे हैं इसे सीधा, या आपको एंगल इस साइड पे दिखाना है तो एंगल को ऐसे चेंज करें और फिर इसका जो डिस्टेंस लेवल है वो आप इसका सेट करें, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आपको क्या चीज़ दिखानी है तो वो इस तरह दिखाई देगा। स्प्रेड लेवल आप इसका और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और उसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो कोई भी शेप इस तरह से दिखाना हो आपको स्क्यू में आप करके दिखा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम के अंदर। सिमिलरली अगर टेक्स्ट के ऊपर भी स्क्यू अप्लाई करना है तो पहले आप जाएंगे यहाँ पर और इसको हम जैसे रोटेट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इसको अब स्क्यू करते हैं। अब स्क्यू करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, स्क्यू पे क्लिक किया, अब इसकी एक साइड को पकड़ के हम कम करेंगे तो ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा, और अगर हम इस साइड से इसको पकड़ के स्क्यू करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। इस तरह से थोड़ा लेटा हुआ दिखाना है, या अब लेटा हुआ दिखाएंगे तो कैसे दिखा सकते हैं उसके ऊपर टेक्स्ट को, पहले हम उसको सीधा कर लेते हैं ताकि ये हमें सीधा दिखाई दे। क्लिक करके अप्लाई करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको ले जाके स्क्यू करेंगे। अब स्क्यू करने के बाद जब ये इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो लेटा हुआ ऐसे दिखाई देगा कि इसका नीचे वाला सेगमेंट हम थोड़ा बड़ा कर देंगे इस साइड का और इस साइड का, लेकिन आप देखेंगे स्क्यू के अंदर या तो ये साइड इस साइड पे खींच रही है या फिर वो साइड इस साइड पे खींच रही है, दोनों साइड एक साइड पे नहीं खींच रही, तो इस वजह से हम एक साइड का एंगल बना सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं टेढ़ा, तो इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अब ऐसे दिखाने के लिए फिर हमें इस पर थोड़ा सा शेड भी देना होगा और वो हम दे सकेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से। कलर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जाके ड्रॉप शेडो कर देते हैं और ड्रॉप शेडो करके इसको इस तरह से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये थोड़ा सा लेटा हुआ या इस तरह से पीछे की तरफ इस पेपर के ऊपर रखा हुआ है ड्यू टू कि इसके शेड नीचे आपको नज़र आ रहा है। अगर शेड के एंगल को थोड़ा चेंज करेंगे, शेड के एंगल को पीछे ले जाएंगे तो थोड़ा सा और इसके अंदर इफेक्ट पड़ जाएगा। ड्रॉप शेडो में जाते हैं, यूज़ ग्लोबल लाइट से चेक हटाते हैं और इसका रिवर्स ले लेते हैं और अब देखेंगे किस तरह से नज़र आ रहा है आपको। जैसे कि यहाँ से लाइट पड़ रही है और यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसको थोड़ा सा इस साइड पर ही बल्कि थोड़ा और पीछे की साइड पर दिखाना चाहे इस तरह से करके दिखा सकते हैं और डिस्टेंस पे उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस तरह से ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए अब आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ से लाइट पड़ रही है और ये टेक्स्ट उसके ऊपर इस तरह से लेटा हुआ है। तो ये चीज़ें आप स्क्यू की मदद से कर रहे होते हैं। स्क्यू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जो कि हमारा है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों एंगल को अलग अलग मूव कर सकते हैं। स्क्यू में एक एंगल को कर रहे थे, डिस्टॉर्ट में चारों को कर सकेंगे। तो यहाँ से पहले करेंगे डिस्टॉर्ट इस इमेज के ऊपर, तो देखिए मैं इसका ये वाला हिस्सा पकड़ के अलग से खींच के छोटा बड़ा जैसे चाहूँ करके दिखा सकता हूँ और ये वाला एंगल अलग से और ये वाला एंगल अलग से और इसका भी अलग से हम इन चारों को मूव कर सकते हैं। सेम इमेजेस पर टेक्स्ट पर ये अप्लाई हो सकता है और अब आप इसको एक इस तरह का एंगल बना के दिखा सकते हैं पिक्चर को कि ये इस तरह से दिखाई दे रही है। डिस्टॉर्ट के बाद है पर्सपेक्टिव।
इस पर्सपेक्टिव और इसमें जो स्क्यू है इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि स्क्यू उसकी हम एक एक एंगल को पकड़ के मूव कर रहे थे, पर्सपेक्टिव में एक एंगल को खुद खींचेंगे तो दूसरा एंगल उसके साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। किस तरह से देखें, अभी इसी शेप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह पे एक नया शेप बनाता हूँ। अब इस शेप को देखेंगे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसका लेफ्ट पर्सपेक्टिव बनाता हूँ या राइट पर्सपेक्टिव बनाता हूँ, तो यहाँ से क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया, मैंने कहा लिया यहाँ से पर्सपेक्टिव। अब देखिए मैं इसको एक साइड से कम करूंगा दूसरी साइड से खुद ही कम हो जाएगा, ठीक है, एक साइड से बढ़ाऊंगा दूसरी साइड से खुद ही बढ़ जाएगा, देख रहे हैं। तो अच्छा इसी तरीके से अब मैं इसको ना नीचे से ना ऊपर से, अब मैं जा रहा हूँ इसके यहाँ पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको नीचे से पर्सपेक्टिव करूंगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर से और एक साइड खींचूंगा तो दूसरा साइड खुद ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक पर्सपेक्टिव बना दिया और ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बनाने के बाद ब्लाइंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक किया और यहाँ से इसके अंदर एक कलर भर दिया। कलर डालने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर कलर दे दिया मैंने, सपोज इस तरह का, थोड़ा सा और डार्क कर दिया इसको, ओके कर दिया, यहाँ से क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने क्या किया कि इसी का एक डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी करके छोटा किया अल्टर शिफ्ट के साथ उसको, और उसको थोड़ा यहाँ से कम करना है तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा कम किया, पर ये ज़्यादा कम नहीं हो सका इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लिक करके पहले अप्लाई करता हूँ। और इस पर क्लिक करके जो कलर है इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ वाइट कलर, और यहाँ क्लिक करके मैंने वाइट कलर दिया, इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ से वाइट कलर लिया, ओके कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह का बन गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं दोबारा से पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव करने के बाद हमने यहाँ से क्लिक किया, इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा इस तरह नज़र आए। तो पहले वाले थोड़े ज़्यादा चौड़े कर देते हैं और उसके बाद ये आगे जाके कम चौड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं, फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर इसको आगे ले जाते हैं। अब ये इससे थोड़ा एज कम्पेयर टू कम होगा और साइज़ में भी छोटा होगा, तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया, अल्टर से इसको थोड़ा छोटा किया एज कम्पेयर टू पिछले वाले के, और फिर यहाँ से लिया पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव लेके इसको थोड़ा सा कम किया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा कम कर दिया ताकि इसके मुताबिक ये थोड़ा छोटा लगे। अब उसके आगे वाला लेना है, कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, फिर एक और आगे ले गए और इसको काफ़ी छोटा दिखाना है तो अल्टर के साथ इसको पहले ऐसे छोटा किया, और छोटा करने के बाद इसको ये दिखाना है कि भाई ये इससे डिस्टेंस पे थोड़ा आगे है और इसका जो पर्सपेक्टिव लेवल है उससे कम है। तो यहाँ पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव लेंगे और पर्सपेक्टिव लेके हमने यहाँ से एक साइड से कम किया तो दूसरी साइड से खुद ही कम हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया। ये थोड़ा खोल लेते हैं इसको, हम यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा खोल दिया और उसको क्लिक कर दिया और अप्लाई बन गया। तो ये देखें इस तरह से फील हो रहा है जैसे कि ये हाईवे या रोड का एक मंजर है। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर दिखाने के लिए, क्योंकि ये वाइट के ऊपर तो हाईवे नहीं हो सकता, तो क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लिक करेंगे इसको अनलॉक करेंगे, अनलॉक करके यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे और यहाँ पे एक लगा देते हैं टेक्सचर ओवरले। तो टेक्सचर ओवरले में जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे पैटर्न ओवरले, तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास कोई इस तरह का पैटर्न ले लेते हैं। तो इसके ऊपर ये आपको ज़रा बेहतर लगेगा क्योंकि ये एक सैंड की तरह का पैटर्न है, तो ये लेके हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब ये बिल्कुल पक्का ऐसा रोड तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर और इस पर क्लिक करके कलर ओवरले के साथ इसका थोड़ा ड्रॉप शेडो भी बना देते हैं। क्लिक करेंगे ड्रॉप शेडो पे और इसका शेड हम इस तरह से बनाते हैं, थोड़ी सी थिकनेस बन जाए, ये देखिए कुछ इस तरह से निकलता हुआ नजर आएगा। या फिर इसको ड्रॉप शेडो हटा के हम इसको डायरेक्ट लगा के देखते हैं, आउटर ग्लू, आउटर ग्लू लगाया हमने यहाँ पे, इसको क्लिक किया, या फिर हमने साइज को थोड़ा एक्सटेंड किया, ये भी अच्छा लग रहा है, और इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो कलर चेंज कर लें, डार्क कलर में बना लें, इस तरह के कलर में बना लें, इस कलर में बना लें, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये देखें इस तरह का जो हम एक मंजर है शो कर सकते हैं पर्सपेक्टिव की मदद से। थोड़ी रोड आगे की ज़्यादा चौड़ी हो गई क्योंकि इसकी लंबाई कम है, तो इसको पर्सपेक्टिव में जाके हम यहाँ से थोड़ा कम करेंगे, यानी कि एक साइड को कम करेंगे दूसरी साइड खुद ही उसकी कम होती चली जाएगी। तो ये इस तरह का पर्सपेक्टिव डिज़ाइन आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। फिर रह जाता है इसके साथ रैप टेक्स्ट के साथ वार्प का ऑप्शन। वार्प का ऑप्शन ये कि जैसे ये एक इमेज है और इस इमेज को मैं थोड़ा फोल्ड करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्लिक करेंगे पहले इसको और इस पर जाके हम क्लिक लेंगे यहाँ से इफ ट्रांसफॉर्म में जाके वार्प के ऊपर। जैसे ही वार्प करेंगे तो यहाँ पे बने बनाए मुख्तलिफ वार्प हैं, आर्क वार्प में आप करके देख लें इसको, इसको इस तरह के वार्प में करके देख लें, इसको एक्स वार्प में करके देख लें, या फिर इसको आर्च में करके देख लें, इसको इस तरह के सिलेंडर वार्प में करके देख लें, या फिर इसको आप फ्लेग में करके देख लें, या फिर आप इसको वीव्स और फिश पे करके देख सकते हैं। अगर आप इसको, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे पूरे इमेज को कर रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और एक दूसरी पिक्चर को मैं ओपन करके इस पर ले आता हूँ, यानी कि इसी पिक्चर को हम इस पर ले आते हैं। सपोज तो यहाँ से क्लिक किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कर दिया, और लाने के बाद मैंने इसको इस तरह से कर दिया।
अब मैं इसको किस तरह से वार्प कर सकता हूँ, यह मेरी मर्जी है। यहाँ पे जाऊँगा मैं एडिट में और यहाँ से क्लिक करूँगा वार्प का, और वार्प लेने के बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वार्प के ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं उस तरह का वार्प इस पर लगा सकता हूँ। सपोज टू बी आर्क वार्प है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसके बैंड मोड को मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कितना बैंड करना है और कितना बैंड नहीं करना। आर्क के बाद मेरे पास अगला आर्क है, आर्क लोअर है, देखिए इस तरह से आपको शेप में डालना है उसको। आर्क अपर है और उसके बाद आर्क आर्च है, उसके बाद आप यहाँ देखें इस तरह का आर्क है, फ्लैग है, वेव है, फाइनेंस क्या है, फिश लेयर है, और इंफ्लेट है, सिक्वेंस है। तो किस तरह के आप इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्विस्ट है, उस तरह के उसमें इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें से अगर कोई सही लग रहा है तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको इस इमेज पे अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी शेप पर अप्लाई करना चाह रहे थे, तो ये देखिए हमारे पास एक शेप ले लेते हैं हम यहाँ पर एक लिस्ट लेयर के ऊपर या टेक्स्ट पे करना चाह रहे थे, तो एडिट में जाके यहाँ से करेंगे ट्रांसफॉर्म और ये वार्प एक्टिवेट नहीं हुआ। अच्छा, टेक्स्ट का वार्प हम बाद में देखते हैं, पहले एक शेप पर अप्लाई करके देखते हैं इस वार्प इफेक्ट को। तो यहाँ से हमने एक शेप बनाया और अब हम इसको एक और किसी भी वार्प इफेक्ट में डालना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करेंगे वार्प के ऊपर और ये उसके अंदर हम इसको इजीली यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे, वेव भी कर दें या फिर इसको आप कर दें फ्लैग में कन्वर्ट कर दें, ये इस तरह से आपको नजर आएगा। इसके बैंड मोड को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये उस तरीके से आपको फिर दिखाई देगा। जैसे क्लिक करेंगे ओके और इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ पर जाके आप इसको ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दें और उसके बाद जो है यहाँ से इसका शेड और डिस्टेंस लेवल बढ़ा लें और स्प्रेड लेवल भी बढ़ा लें, साइज भी इसका थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और स्ट्रोक भी दे दें इसके ऊपर थोड़े से। तो ये देखें इस तरह का शेप भी आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में ये ऑप्शंस हैं आपके लिए जो आपको मजीद इमेजेस को आगे पीछे मूव करने के काम में आ रहे होते हैं। इसके बाद ये दो हैं फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप वर्सेड हॉरिजॉन्टल, ये क्या काम करते हैं ये हम पहले भी सीख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर देख लें। ये पिक्चर का मोड इस साइड है तो मैं इसको सेलेक्ट करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ये लेफ्ट से राइट से राइट से लेफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अब ये पिक्चर मेरी सीधी है, इसको मैं जाके करूंगा फ्लिप वर्टिकल तो ये उल्टी थी तो सीधी हो जाएगी, और यहाँ से सीधी करनी है दोबारा तो यहाँ से दोबारा फ्लिप वर्टिकल करेंगे सीधी हो जाएगी। और इसका अगर मोड चेंज करना है तो इस तरह से मैं जाके यहाँ से कर सकता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, यहाँ से किया जा सकता है इसको दोबारा से, ठीक है। अब 90 डिग्री पे किसी भी एंगल पे किसी भी शेप को टेक्स्ट को रोटेट करना है तो ये 90 डिग्री CW काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं इस तरह से 90 डिग्री पे मूव कर सकते हैं। और दोबारा अगर इसको सीधा करना है तो 90 डिग्री CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे रोटेट करना हो तो डायरेक्टली डिग्री से भी किया जा सकता है। तो ये थी हमारी सारी कमांड्स जो कि हमें इसमें करनी थी, जिसका नाम था स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट और वार्प। इसमें एक कमांड नहीं लिखी थी, पर्सपेक्टिव, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी कमांड पर्सपेक्टिव जो रह गई थी।